नमस्ते फ्रेंड्स, हमने चर्चा किया था लास्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 8 था हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके काफ़ी सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे और छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट किया था, मैं बड़े सवाल की ओर बढ़ रहा था। जहाँ तक मुझे ध्यान में है कुछ ऐसे सवाल हमने किए थे, जैसे वो आंधी से 12 सवाल है, वो आंधी से पेड़ टूट गया, इस तरह का सवाल ये भी किया था हमने, और हमने एक मीनार ये सवाल भी किया था, स्तंभ की चोटी 15 डिग्री वाला अपने सवाल यानी 15वां भी हमने कर लिया था। और हम बात करें यहाँ पर कि सवाल 16वें की बात करें, तो कुछ सवाल तो आपके लिए भी छोड़ूंगा, मैं सारे सवाल नहीं बताऊंगा। तो 16वें सवाल की बात करें तो लिख रहा है सवाल में कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड में आने लायक सवाल है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, तो इसको आप गौर से देखें। क्या कह रहा है कि मीनार की जो छाया है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। छाया क्या होती है? आधार होती है। याद रखिए, छाया भी किसी भी वस्तु की छाया है वो अपने आप में आधार का काम करती है। यदि आधार बढ़ रहा है तो डेफिनेट, ये हमें कंफर्म है, डेफिनेट है, पक्का है कि साहब कोण है वो क्या होगा, घटेगा। आधार बढ़ेगा तो कोण क्या होगा, घटेगा, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो इस बारे में आप ध्यान दें कि कोण जब 60 से घटकर 30 हो जाता है तो छाया 40 मीटर पहले जितनी थी उससे ज्यादा हो जाती है, यानी पहले जितनी थी उससे 40 मीटर और ज्यादा छाया बढ़ जाएगी। तो यहां देखिए, मैं पहले डायग्राम लेता हूं, सवाल संख्या 16 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले मीनार है और मीनार की सपोज करो पहले छाया इतनी थी और उस समय कोण था वो 60 डिग्री का था। अब छाया 40 मीटर बढ़ गई, कितने मीटर बढ़ी, 40 मीटर। तो अब जो सूर्य का उनतांश कोण है वो हमारे पास 30 डिग्री आया, ये तो 40 मीटर है और ये इधर वाली पता नहीं, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, और मीनार की ऊंचाई भी नहीं पता है हमें, इसको मैं एच मीटर मान लेता हूं, और इसका नामकरण कर देते हैं हम ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और पहली लाइन आपको पता क्या लिखनी है, बताइए, सभी सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर, इतना काम हो गया। और उसके बाद आइए, इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। तो हम त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर हो गया ए बी और डी, पहले मैंने बड़े वाला ले लिया, ओके, और बड़े वाले में क्या लिया हमने, वो ही टेन, और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, लंब हमारे पास एच है, आधार एक्स प्लस 40 है, देख लीजिए ये एक्स प्लस 40। आगे चल लेते, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया, इज इक्वल एच बाई एक्स प्लस 40 है, तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा एक्स प्लस 40 इज इक्वल एच रूट 3। इसको समीकरण संख्या एक दे दें, फिर इसी तरह से हम दूसरा समकोण त्रिभुज, आरटी मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज दूसरा नाम है हमारा एबीसी, और एबीसी में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो टेन यहाँ पर कोण आएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री आएगा, और लंब है एच और आधार है एक्स, टेन 60 का मान स्टूडेंट्स होता है √3 इज इक्वल एच बाई एक्स हो गया, और एक्स √3 बराबर एच हो गया। यदि हम समीकरण 2 से एच का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमें एक्स का वैल्यू पता हो जाएगा। तो देखिए, हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 से एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, और वो क्या हुई, देखिए यहां पर एक्स प्लस 40 इज इक्वल एच का वैल्यू है एक्स √3, और वहां √3 एच के गुणा में ऑलरेडी पड़ा था, सो गुणा किया तो √3 को √3 से गुणा करने पर रूट का निशान हट जाता है, ये उधर जाके घट जाएगा, 40 इज इक्वल 2x हो गया, x इज इक्वल 20 आंसर आया। ये x का वैल्यू जब उठाकर मैं यहां रख दूंगा तो h का मान आ जाएगा, h मींस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से 16वां सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही शानदार सवाल है।
और इसको हमें इस तरह से हल करना है जो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन। अब हम सवाल संख्या 17 की भी बात करें तो 17 भी सवाल ऐसा एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। जरा देखिए, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है, सेम एज इट। ऐसा सवाल मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्टिंग पहले दिन जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखिए, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम सवाल मैंने बताया था, फिर भी आप चाहो स्टूडेंट जरूरत हो तो सेम ऐसा चित्र बनेगा एज इट, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कोण की बात है। तो 30 और 45 है, यहां 30 लिख देना, यहां 45 लिख देना, ये 60 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ हमें 60 दिया हुआ है, ये भी नहीं मालूम है, इसको x लिख देना, इसको y लिख देना, आपको y का आंसर बताना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बतानी है। ये रहा स्टूडेंट हमारा सवाल संख्या 17, समझ लेना आराम से, थीम समझो आराम से, जो थीम में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी ईश्वर की कृपा से उसको आप पढ़ें। कई बार लिखते वक्त यदि मान लो कोई संख्या इधर उधर हो जाती है तो उसको आप माइंड नहीं करें। आगे देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि यह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। समझिए, देखो बहुत अच्छा सवाल है, 30 मीटर ऊंचा तो भवन है और 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई है, सवाल कैसे करेंगे? आइए बोर्ड पे आप एक बार गौर से देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं, सवाल बहुत अच्छा है। देखो मैंने एक ही ऑब्जर्वेशन किया इसमें कि सवाल पढ़ने के बाद आपके दिमाग में उस सवाल की स्क्रिप्ट बन जानी चाहिए, यानी उस सवाल का डायग्राम क्या होगा, क्या कहना चाह रहा है, ये दिमाग में इमेजिनेशन हो जाना चाहिए हमारे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट, देखिए यहां पर एक मीनार है जो 30 मीटर हाइट में है, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रेक्षक है उसकी दृष्टि यहां से स्टार्ट होती है, यानी दृष्टि रेखा यहां से स्टार्ट होगी, ये इसको देख रहा है, तो यहां से हम लाइन नहीं मैच करेंगे, ध्यान देना भाई, एक एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, कहां से देखेगा? यहां से देखेगा, उसके पैरों से थोड़ी देखेगा, तो दृष्टि रेखा यहां से बनेगी, तो आधार है वो यहीं पर बनेगा, आधार कहां बनेगा? जहां हमारा लेवल है देखने का, हमारी आंख जहां है वहां आधार बनाया जाएगा। नीचे जो पार्ट रह गया, जो मान लो लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, तो पूरी मीनार की हाइट 30 में से 1.5 मीटर कम कर दो, जो 30 में से 1.5 कम करने पर जो बचेगी ना, वो ऊंचाई या लंब के रूप में काम में आएगी। तो देखिए आधार यहां बनाया जाएगा, ये लो, ये पूरा मैंने आपको कहा है कि 30 मीटर हमें गिवन है, और ऊपर का जो पार्ट है वो बच गया 28.5 मीटर। समझ में आ गई कहानी? ये 1.5 है तो नीचे भी रहेगा 1.5 मीटर। यहां जो कोण है वो कोण पहले तो था कितना डिग्री? 30 डिग्री, अभी तो कितना है? 30 डिग्री। लड़का मीनार की ओर चलकर जाता है, फिर मीनार की चोटी को देखता है, कोण मिलता है उसको 60 डिग्री। कितना मिलता है कोण? 60 डिग्री। इसका नामकरण करें, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। समझ लीजिए आराम से, दो त्रिभुज है डी बी ए और सी बी ए, डी बी ए सुन लेना आराम से, डी बी ए, इस दूरी को आप एक्स मान लो और इसको वाई मान लो। जब आप बड़े वाला त्रिभुज डी बी ए लेते हैं, पूरा त्रिभुज लेते हैं, तो आधार भी पूरा आएगा, यानी ये पूरा आधार हो गया एक्स प्लस वाई, कितना हुआ x प्लस वाई बड़े वाले का, और लंब ऊंचाई आ गई 28.5, 30 नहीं आएगी, 28.5 दोनों ही त्रिभुजों में लंब 30, 28.5 ही काम में आएगा, और बड़े वाले का आधार x प्लस वाई होगा, छोटे वाले का आधार केवल y होगा, और कोण दोनों को दे रखें।
तो स्टूडेंट हमारा चल रहा था सवाल संख्या हो गया था 18th और हम अब बात करते हैं 19th की। 19th है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का यानी फुट का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी एज इट मैंने एग्जाम्पल वाले दिन फर्स्ट डे सा एक्सप्लेन किया था। आप मीनार 7 मीटर का है, सॉरी भवन 7 मीटर का है, मीनार कितनी ऊंची है मालूम नहीं है। यहां से एक तो मीनार की चोटी का और एक मीनार की फुट का हमें एंगल देख लीजिए। यहां पर ये तो मीनार है, ये भवन है, ये 7 मीटर का है। डायग्राम बना दूं, यहां से देखेगा बंदा, बंदा यहां खड़ा देखने वाला तो आधार है वो यहां बनेगा। याद रखिए जहां बंदा, जहां से बंदा देखता है, देखने का जो लेवल होता है वहां आधार बनाया जाता है। एक बार ये मीनार है, ये तो मीनार है और ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। यदि इसके आधार से इसकी चोटी को जोड़ा जाए तो एक तो कोण ये हो गया और एक इसके पाद को जोड़ा जाए तो एक कोण ये हो गया। ये दो कोण हो गए, समझ में आ गई मेरी बात। और ऊपर वाला जो कोण है वो तो बताया है 60 डिग्री का और नीचे वाला कोण बताया 45 का। ये तो 60 बताया स्टूडेंट्स, ये बताया 45 डिग्री। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 7 मीटर है तो सामने में कितना मीटर है, 7 मीटर हो। ओके बोलो भाई ऊपर कितना है ये मालूम नहीं, इसको क्या मान लेंगे हम, एच मान लेंगे। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, दो लेने हमें, एक तो ये लेना है और एक ये लेना है। इसमें तो आधार कितना आएगा अभी निकालेंगे, उतना आएगा। इसका लंब कितना है, 7 है, आधार मालूम नहीं है, समझ में आ गई। लंब कितना है, 7 है, आधार मालूम नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी काम कर सकते हैं, ये 45 है तो ये वाला कितना होगा, 45 आएगा, 45 आएगा। इसका आधार हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जितना आधार इसका होगा उतना ही आधार इसका होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ tan 45 क्या लिखेंगे, tan 45 tan 45 is equal 7/x, इसका मान होता है 1 is equal 7/x, x का वैल्यू आ गया 7। समझ में आ गई बात, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, ऊपर वाले त्रिभुज के आधार 7 हो गया, लंब h मान लिया, कोण 60 डिग्री का है, आराम से h निकालोगे। ये 7 है ही, h का मान आए वो 7 में जोड़ देना, पूरे मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ये थीम है हमारे सवाल संख्या 19 की। आगे बात करते हैं हम सवाल संख्या 20। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 23 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायग्राम भी आप ले सकते हैं, यही डायग्राम काम कर जाएगा यहां पर। ये डायग्राम ही काम कर जाएगा, ये लो। ओके कोण हमें दिया एक तो 30 और 45, ये लो 30 और 45 है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 1 किलोमीटर दी है, 1 किलोमीटर, समझ में आ गई। इस डिस्टेंस का हमें जो मेजरमेंट पता नहीं, इसलिए एक्स मान लेंगे और ये हाइट को हम एच ले लेंगे। बस कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ा त्रिभुज लेंगे, 30 आधार 1+x और लंब है एच, दूसरे में 30 डिग्री आधार एक्स और लंब है एच, आराम से जाए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दो ट्रायंगल बनते हैं वहाँ 101% टेन थीटा का सूत्र लगता है और उसकी सहायता से समीकरण 2 बनेंगे। दोनों समीकरणों को आप जो भी विधि अच्छी लगे उससे आप हल कर सकते हैं। आगे देखिए, अब है हमारा सवाल 21। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी पड़ा हमारे पास। बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, देखो मैं डायग्राम बनाता हूं उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये मान लेते हैं यहाँ एक पानी का स्तर है, पोंड है, तालाब है, नदी है, जो भी है, ये एक वाटर रिसोर्स है
इसके ये इसका वाटर लेवल है, पानी का लेवल है, इससे 20 मीटर ऊंचाई, 20 मीटर हाइट पर एक पॉइंट है ए, और यहां एक बादल है मान लिया। ओके, इस पॉइंट से इस बादल का जो उन्नयन कोण है, तो इस पॉइंट से देख रहा है आधार से 20 मीटर ऊंचाई से देख रहा है, तो यहां आधार जहां देखता वहीं से बनेगा। ये कोण हमें 45 डिग्री बता रहा है, 45 डिग्री बता रहा है। एक बार फिर देख लेता हूं कोण कितना है, 45 डिग्री। और इस बादल का आप देखेंगे, हम पानी में, साफ पानी में, स्थिर पानी में ऊपर से देखते तो अपना चेहरा भी उसके अंदर दिखता है, और पानी बिल्कुल साइलेंट है, शांत है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा फेस दिखेगा उसमें, यानी हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। हम पानी के पास जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी हमारे पास आता हुआ दिखेगा, हम दूर करेंगे अपने चेहरे को, प्रतिबिंब भी पानी के अंदर दूर जाता हुआ दिखेगा। जैसे कि हम एक मिरर के सामने, एक दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो दर्पण के सामने क्या होता है कि हम जैसे दर्पण के पास जाते हैं, हमारा जो प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में, हमारी इमेज जो दिखती है वहां पर, हमारा जो फोटो दिखता है वो भी हमारे पास आता हुआ दिखता है। हम पास जाते हैं मिरर के तो वो भी पास आता हुआ दिखता है, हम दूर जाते हैं मिरर के तो वो भी दूर जाता हुआ दिखता है। तो मिरर, जो मिरर है उससे हम जितनी दूर हैं, हमारा प्रतिबिंब भी मिरर के उतने ही दूर आगे बनेगा, समझ लेना। मिरर से हम जितने दूर हैं, मिरर के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी दूरी भी उतनी रहेगी, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से उसका जो प्रतिबिंब है उन दोनों की दूरी हमेशा समान रहती है। यहां झील के पानी का जो स्तर है ऊपर का, वो मिरर का काम करेगा, वो दर्पण का काम करेगा। तो जितना बादल उस पानी के ऊपरी लेवल से ऊंचा है, जितनी ऊंचाई उस लेवल से लेकर बादल की जो ऊंचाई है, पानी का ऊपर का लेवल, वहां से बादल की जितनी ऊंचाई है उसका प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनेगा पानी के अंदर, समझ में आ गया। पानी के ऊपरी लेवल से बादल की ऊंचाई बराबर है पानी के ऊपरी लेवल से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों क्या होगी, बराबर। तो देखिए, इसका प्रतिबिंब मान लो यहां पर बना, ओके, समझ लीजिए ये पानी का लेवल है, और इस प्रतिबिंब का यहां इस बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री बता रहा है, ओके। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि आयत जैसी संरचना बन रही है इसलिए भी 20 मीटर होगा। यहां से इस लेवल से, 20 मीटर वाले लेवल से बादल कितना ऊंचा है उसकी ऊंचाई मालूम नहीं है, मैंने क्या मान ली, एच मीटर मान ली, और एक संपूर्ण त्रिभुज ये नीचे वाला और एक संपूर्ण त्रिभुज ऊपर वाला। मैं एक बार फिर सारी वैल्यूज देख लेता हूं, 20 मीटर ही है, 30 और 60 डिग्री कोण है, ओके आ जाइए। अब हम आगे हल करते हैं, यहां से इस पानी के लेवल से देखना, बादल की कंप्लीट जो हाइट है वो है 20 plus h, ये तो समझ में आ गया। और मैं कह रहा हूं पानी के लेवल से बादल जितना ऊंचा है उसका प्रतिबिंब भी पानी के लेवल से उतना ही नीचे बनेगा, यानी ये ऊपर वाली हाइट 20 प्लस एच है, हालांकि दिखने में मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें थोड़ी कम दिख रही है आपको, बट ये जो दूरी है वो भी 20 प्लस एच ही होगी, क्योंकि पानी के स्तर से किसी वस्तु की ऊंचाई जितनी होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब पानी के स्तर से उतना ही गहराई में बनता दिखाई देता है, समझ में आ गई। तो ये है 20 प्लस एच है और ये भी 20 प्लस एच है। जब हम इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे जिसका कोण 60 डिग्री है, तो उसका जो लंब आएगा वो आएगा 20 और प्लस 20 प्लस एच, यानी ये भाग 20 प्लस एच है, तो 20 ये और 20 प्लस एच ये टोटल 40 प्लस एच हो गया, यानी इस बड़े वाले का लंब 40 प्लस एच है। आधार अभी ज्ञात हमने किया नहीं, नामकरण करता हूं, इसको बी नाम दिया, इसको सी देता हूं, इसको डी देता हूं और इसको ई देता हूं। सवाल ये पूरा ही कर देता हूं, मैं बोर्ड पे जरा गौर से देखिए आप। सवाल संख्या है मेरे ख्याल से 21 है,
वो लाइन तो लिखनी है सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर, इतनी भाषा तो आपको हर सवाल में 101% लिखनी है। इसके आगे का स्टार्ट करता हूं मैं, यहां पर इसको एम नाम देता हूं, दे दिया मैं ए एम इज इक्वल 20 मीटर और बराबर BE, ये भी 20 होगा, और BC इज इक्वल है H मीटर। समझ में आ गया ये कहां से आया, ये हमने माना है, और जो BD है वो आया 40 प्लस H मीटर। समझ लेना आराम से। अब समकोण त्रिभुज की बात करूंगा मैं ए बी सी की, तो ए बी सी में वही टेन थीटा, थीटा 30 डिग्री है और लंब एच है, आधार को ए बी ही पड़ा रहने देता हूं। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, एच बाई ए बी हो गया, ये तिरछा गुणा किया ए बी बराबर एच रूट तीन, समीकरण संख्या एक हो गया। ए बी का मान हमारे पास एच रूट तीन है, यानी इस त्रिभुज का आधार, नीचे वाले का भी आधार, ऊपर वाले का भी आधार, जिसको ए बी कह रखा है वो एच रूट तीन मीटर लंबाई का है। आगे बढ़ता हूं, दूसरा समकोण त्रिभुज, यानी लिखूंगा इसी प्रकार, दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी डी, ए बी डी से, और मैंने लिखा है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री दिख रहा होगा, और बराबर लंब हो गया 40 प्लस एच और आधार हो गया एच रूट थ्री, ये लो इसका मान होता है रूट तीन। आगे लिख देता हूं, यहां पर इसका मान होता है रूट तीन और बराबर 40 प्लस एच और बाय रूट थ्री और साथ में एच है, इसको से इंटू करूंगा तो आएगा रूट थ्री गुणा एच रूट थ्री इज इक्वल 40 प्लस एच, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया 3h हो गया इक्वल 40 प्लस एच। आगे लिखता हूं ये एच इधर आके इसमें से घटेगा तो 2h इज इक्वल 40 हो जाएगा, एच इक्वल 20 हो गया, एच का वैल्यू है 20 मीटर। हमें पूछ रहा है पानी के तल से, देखता हूँ एक बार कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है हमें सवाल की, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु ए से बादल की दूरी, एच का मान आ गया, ध्यान दीजिए हमें बादल की दूरी चाहिए, बादल की दूरी, बिंदु ए से बादल की दूरी यानी कर्ण चाहिए, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। वापस से मैं ऊपर वाला त्रिभुज लूंगा, कौन सा ए बी सी लिख देंगे, पुनः है समकोण त्रिभुज ए बी सी से, अब की बार लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब तो एच है और कर्ण का ना, कर्ण का मान यहां पर मैंने नाम दे रखा ए सी, साइन 30 का मान 1/2, एच का मान 20 और बटे ए सी, तो हमारे पास ए सी बराबर आ गया 40 मीटर। समझ में आ गई, बोर्ड पे फिर से सवाल देख लें, मैंने पूरा सवाल एक्सप्लेन किया है, डायग्राम सहित किया है, डायग्राम को ऑब्जर्व करें, समझें, सवाल को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सवाल क्या पूछ रहा है, किस तरह का पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। स्टूडेंट आज की क्लास में इतना काफ़ी है, इसको ढंग से पढ़ें, समझें, हल करें, तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।